शबरातन आपा? हाँ, क्या हो गया माँ जबीन, कुछ रह गया? जी ये ले लीजिए। ये क्या है? ये आलिया के लिए तोहफे। उसकी शादी में शिरकत तो नहीं हो पाएगी, लेकिन उसकी शादी के लिए मैं उसको कुछ देना चाहती थी। बुरा ना मानना माँ जबीन, पर ये मैं ले सकती हूँ। क्यों नहीं ले सकती? इसमें कुछ नए और पुराने कपड़े हैं, और पुराने बहुत कीमती हैं और जेवर भी हैं। अच्छा अगर ये नहीं चाहिए तो मैं नए बनवा देती हूँ। हाय माँ जबीन, ये बात नहीं है, बहुत भोली हो। कभी कभी ना मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे भोलेपन और मासूमियत पे ना मार ही जाऊं। ये तुम्हारी देवी चीज कभी मामूली हो सकती है? ये बात नहीं है। अच्छा ये तुमने देने हैं तो अपने हाथ से देना आलिया। ये क्या कह रही हैं आप? मैं आलिया का सामना भला कैसे कर सकती हूँ, आप तो सब जानती हैं। है? ऐसा क्या हो गया? आलिया ही तो है, उसकी नाराजगी को रखो जूती की नोक पे, उससे क्या डरना, कोई खा तो नहीं जाएगी तुमको। खाई जाती तो मेरे लिए काबिले बर्दाश्त तो होता, उसकी खामोशी मुझसे मुझसे देखी नहीं जाती। आपा आलिया तो बात बात पर आसमान सर पे उठा लेती, मुझे लगता है कि मैंने अपने हाथों से उसका गला ही घोट दिया। ये तो है, मैं भी बहुत हैरान हूँ कि इतना सब कुछ उसने ऐसे खामोशी से कैसे सह। पर सोचो कि ठीक है, मैं तो परेशान होती थी कि इन तेवरों के साथ ससुराल में बसेगी कैसे। चलो अच्छा हुआ ससुराल जाने से पहले जरा ट्रेनिंग होगी। अब देखो माँ जबीन, लाड प्यार से उसे सर पे भी तुमने चढ़ाया तो हक भी जता सकती हो ना। अगर देने हैं तो अपने हाथ से दो और हक से दो। मैं चलती हूँ। आज तो तू पिटे ही पिटे, अब तक तो इसे पता चल गया होगा। क्या करूं क्या करूं? समझ गए ना? ठीक है जाहिद भाई, शाबाश। जाहिद भाई क्या किसी लंबे सफर पे जाने की तैयारी है? हाँ लंबे और बहुत जरूरी। क्या कारोबार से भी ज्यादा जरूरी? आपके बगैर हम दुकान कैसे संभालेंगे? बड़ा ऑर्डर है और अब तो शकूर भी। हाँ कारोबार से भी जरूरी है, और मेरे पीछे छुट्टियां मत करना, दुकान का ख्याल रखना। अरे नहीं नहीं जाहिद भाई, आपको पता है मैं ऐसा नहीं हूँ, आप तो मुझे जानते हैं। पता है जब ही कह रहा हूँ। ठीक है दुकान की चाबी है, ध्यान से फोन उठाओ। अल्लाह हाफिज़।